देखिये समटाइम चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं है जितनी देखने में या सुनने में लगती हैं अब चिकन ऑमलेट बनाना कौन सी मुश्किल बात है यार चिकन ऑमलेट की ये वाली रेसिपी वीडियो देख के जब आप घर पे बनाएंगे तो आपकी वाह वाह जो है वो पक्की है तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाम सबसे पहले हमने एक खूबसूरत से बाउल के अंदर ये देखे इस तरह से तीन अंडे हमने शामिल कर लेने हैं ठीक है अंडे शामिल करने के बाद इसमें हम छोटे साइज का टमाटर जो इस तरह से चॉप करके कर डाल देंगे ठीक हो गया जी टमाटर शामिल करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारे पास होम रेड चिली है जो हमने अदरक और लहसन के पेस्ट के साथ इसको रेडी किया है बहुत ही यमी बनती है जब भी आप घर पे दाल सब्जी बनाए या ऑमलेट बनाए तो ये वाली मिर्चें इस्तेमाल करें और आपका टेस्ट जो है वो टेन टू हंड्रेड चला जाएगा इनशाला ठीक हो गया तो ये जो बनी हुई मिर्चें हैं ये हमने तकरीबन वन फोर्थ टी जो है उसमें शामिल करनी ठीक है तीन अंडों के हिसाब से हम इसमें मिर्ची डाल रहे हैं यहाँ पे जी हमने खूबसूरती के लिए डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया और इसके साथ ही इसमें चला जाएगा ये स्प्रिंग अनियन है हरा प्याज जिसको कहते हैं वो भी आप इसमें काट के इस तरह से शामिल कर दे बड़ी प्यारी खुशबू इसकी आएगी और ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं जो इस तरह से काट करके छोटे से चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे इसकी बहुत प्यारी खुशबू जो है हमारे ऑमलेट के अंदर आएगी फिलहाल यही वो चीजें थी जो हमने डाल दी देखिए आप इसमें और चीजें भी शामिल कर सकते हैं कोई मसला नहीं होने वाला इसको अच्छे तरीके के साथ इस तरह से आप बीट कर लें बहुत ही यमी ऑमलेट जो है इन हमारा बनेगा और इसमें बहुत कम चीजें जो है वो डल रही हैं ठीक हो गया तो अब ऑमलेट जो है हमारा यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीके के साथ फैन लिया है अब क्या करें खूबसूरत सा पैन ले लें ले और उसमें ऑयल डाल दें ठीक है ऑयल डालने के बाद ना इसमें आपने अदरक और लहसन का पेस्ट डालना है ठीक है अदरक लसन का पेस्ट डालने के बाद इसको सिर्फ एक या दो मिनट में हल्का सा इसको बिल्कुल थोड़ा सा इसको आपने पकाना सिर्फ एक दो मिनट के लिए और जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा ये देखिए हमारे पास ये श्रेडेड चिकन है बॉइल्ड श्रेडेड चिकन है ठीक है हमने चिकन को उबाल लिया था उबालने के बाद उसको इस तरह से रेशे रेशे कर लिए थे और वो यहाँ पे इस तरह से हम शामिल कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे हमने चिकन शामिल करना चिकन शामिल करने के बाद जो है हम यहाँ पे इसके अंदर तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स इसमें शामिल करेंगे ठीक है और बोटियाँ जब जयका होना चाहिए ना चलो जी अब इसमें रेड चिली फ्लेक्स हमने शामिल कर दिया बस इसको हल्का सा मिक्स कर लें इस तरह से बोटियाँ जो हमारी कच्ची नहीं है बोटियाँ हमारी पकी हुई हैं मतलब कि बॉयल हुई हुई हैं तो इतना मसला नहीं होने वाला हम इसको बस थोड़ा सा ही पकाएंगे और इस तरह से पैन के अंदर ना बोटियों को आपने इस तरह से बिछा देना है ठीक है इस तरह से उसको पंजाबी में कहते हैं खिलार देना है ठीक है अब आपने क्या करना है इस तरह से प्याज हमारे पास है इस तरह से कटे हुए वो आप इसमें शामिल कर दें ठीक है प्याज शामिल करने के बाद ये कुछ लंबे रुख में कटी हुई हरी मिर्चें हैं ये भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और ये जो एग हमने तैयार किया था वो 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 ला के सीधा इसके ऊपर इस तरह से हम लोग डाल देंगे अब आप मुझे खुद बताएं इसमें क्या मुश्किल है देखिए कितने ही आसान स्टेप्स के साथ हम इसको बना रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि क्या आप ऑमलेट लवर हैं और आप ऑमलेट खाना पसंद करते हैं या नहीं अच्छा जी इस तरह से इसको पैन को जो है इस तरह हिला लेंगे ताकि पैन में प्रॉपर तरीके के साथ अंडा जो है ना वो हमारा फैल जाए चले यहाँ पे हम अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे इसको ऊपर ढक्कन दे देंगे उसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और फ्लेम को कर देंगे हम स्लो और इसको पकने देंगे ठीक है तो अंडा जब तक हमारा पक रहा है आप इस तरह कह रहे हैं भाई साहब हमारे फूड फिक्शन किचन को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी इस बेल की घंटी को टन टन दबा दें और

खूबसूरत लुक आ गई है इसको हम करीब से देखेंगे माशाल्लाह सुबहान अल्लाह मैं अपने सोने परवरदि का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इतनी मजेदार इतनी यमी यमी खाने हमारे नसीब में किए इसको काट के मैं आपको दिखाऊंगा देखें अंदर से भी बड़ा फ्लफी होगा और ये ऊपर से बड़ा जबरदस्ती के साथ पक चुका है ये देखें मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्ती रेसिपी वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए दुआ में जरूर याद रखिएगा अल्लाह हाफिज